नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में आज मैं हूं दोस्तों पूना कृषि मेले के अंदर, और आज आपको दिखाने वाला हूं स्वराज का लेटेस्ट लॉन्च। स्वराज 963 FP फोर व्हील ड्राइव CRDI सीरीज का ट्रैक्टर है। तो आज की इस वीडियो में इस ट्रैक्टर के ओवरऑल फीचर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से फीचर्स इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं, सिंपल वाले से किस तरीके से अलग रहने वाला है और क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, और सबसे मेन बात प्राइस क्या देखने को मिलेगी, और क्या आज के समय में आपके लिए ये ट्रैक्टर खरीदना वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है या नहीं। तो सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को अगर आप लोग लास्ट तक देखें तो आप जान पाएंगे कि आज के समय में क्या आपका इसकी तरफ जाना सही रहने वाला है या नहीं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस कमाल के ट्रैक्टर के बारे में। सबसे पहले शुरुआत होती है फ्रंट में, तो कंपनी ने यहाँ पर जो जेरिकन वेट है वो कंपनी फिटेड दे दिया है, जिससे कि आपको अलग से इसके ऊपर वेट वगैरह फिटिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगभग 10.5 kg की एक प्लेट है, लगभग 13 प्लेट लगभग इसके आसपास लगी हुई है, तो आप कह सकते हैं कि लगभग 1 क्विंटल 30 किलो या 40 किलो के आसपास का ये जो वेट है आगे कंपनी फिटेड आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आपको फ्रंट में जाली देखने को मिल जाएगी, जो कि ठंडी हवा को रेडिएटर तक पहुँचाने का काम करती है। हेलोजन बल्ब के साथ में हेडलाइट मिल जाती है, स्वराज की बड़ी शानदार सी ब्रांडिंग मिल जाती है, क्रोम फिनिश के साथ में यहाँ पर दी गई है। टायर्स की बात करूँगा तो 9/5/24 के फ्रंट टायर आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। प्लेनेटरी रिडक्शन के साथ में जो फ्रंट एक्सल है वो इसके अंदर दिया गया है, जिससे कि लॉन्ग टाइम तक मेंटेनेंस नहीं आता है, प्लस जो ट्रैक्टर जो है खिंचाई है वो भी अच्छी खासी कर लेता है। साथ में ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो इसका फ्रंट एक्सल है वो फुल्ली हैवी ड्यूटी यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। स्टेयरिंग आपको इसके अंदर डुअल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग देखने को दोस्तों मिल जाता है। स्वराज 963 FP की बड़ी शानदार सी ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, पीछे की तरफ 5-स्टार की ब्रांडिंग मिल जाती है, और सिंस 1974 सॉलिड पावर सॉलिड भरोसा का एक एम्बलम एक स्टिकर भी इसके ऊपर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मेनली चलते हैं दोस्तों इसके इंजन की तरफ और जान लेते हैं इसके इंजन के बारे में कि क्या कुछ जो चेंजेस हैं वो इसके इंजन में किए गए हैं। जैसे ये BS4 इंजन के साथ में ट्रैक्टर अब कंपनी ने लॉन्च किया है, गवर्नमेंट ने जैसा नॉर्म्स दिए थे कि आपको अब ट्रैक्टर जो है वो BS4 ही डिज़ाइन करने पड़ेंगे 50 HP के एवो, तो ये भी CRDI तकनीक पे बेस्ड है। BS4 इंजन इसके अंदर डाला गया है, 3820 cc का इंजन इसके अंदर सेम जो पहले आता था वही मिल जाता है, लेकिन जो पंप है वो अब इसके अंदर आपको CRDI तकनीक पे बेस मिलता है, यानी कि कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम का इसके अंदर यूज़ किया गया है, जो कि आपको अगर मैं बात कर लूँ DI तो उससे एक एडवांस लेवल का ये पंप है, जिसके अंदर होता क्या है ट्रैक्टर आपका पोल्यूशन भी कम करता है, प्लस जो डीजल खपत है उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने को ज़रूर मिल जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो कैटलिटिक कन्वर्टर इसके ऊपर लगाया गया है, जो कि आपकी हार्मफुल गैसेज रह जाती हैं एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर जाती हैं, तो उनको रिसर्कुलेट करके फिल्टर कर लेता है दोस्तों ये, जिससे कि आपका जो ट्रैक्टर है वो पोल्यूशन कम से कम करता है। तो ये कुछ डिफरेंस आपको इसके इंजन में मिलने वाले हैं। 2100 rated RPM पर अपनी मैक्सिमम पावर आपको जनरेट करके इंजन देने वाला है। 60 HP की पावर प्रोड्यूस करता है दोस्तों ये ट्रैक्टर। पावर स्टेयरिंग के लिए जो इसकी फिटिंग है वो काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाती है, जिससे कि लंबे टाइम तक मेंटेनेंस वाली दिक्कत आपको इसके अंदर देखने को ना मिले। साथ ही साथ अगर आप फ्रंट में देखते हो तो इसके अंदर काफ़ी बड़े साइज का रेडिएटर आपको मिलेगा, एल्यूमिनियम का रेडिएटर दिया गया है। पावर स्टेयरिंग के ऑयल के लिए सेपरेट कंटेनर दिया गया है, जिससे कि पावर स्टेयरिंग की जो लाइफ है वो लंबे समय तक बनी रहे। साथ में ही आप देखते हो तो ड्राई टाइप का डुअल एलिमेंट का चोकिंग सेंसर के साथ में आने वाला जो एयर क्लीनर है वो इसके अंदर दिया गया है दोस्तों, और जो इंजन है वो नेचुरली एस्पिरेटेड है, कोई टर्बो का यूज़ इसके अंदर नहीं किया गया है। यहाँ पर अगर हम चलेंगे दोस्तों इसके प्लेटफॉर्म की तरफ तो इसके अंदर आपको डुअल फोर स्टेप मिल जाते हैं, जिसकी सहायता से काफ़ी ईजिली आप इसके प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर पाएंगे। प्लेटफॉर्म जो है पूरी तरीके से फ्लैट आपको देखने को मिलेगा, मैट यहाँ पर यूज़ किया गया है, जिससे कि आपका जो प्लेटफॉर्म है उसका कलर वगैरह फेड ना हो। दूसरा जो गेयरबॉक्स की हीट है वो भी आपके पैरों तक ना पहुंचे। साथ में ही जो इंजन की गर्माहट है उसको रोकने के लिए इसके अंदर हीट प्रोटेक्टर भी लगाए गए हैं, जिससे कि इसको आप ड्राइव करें तो कंफर्टेबली ड्राइव कर पाएं, आपको कोई दिक्कत या परेशानी महसूस ना हो। प्लेटफॉर्म के ऊपर चलूंगा, उससे पहले आप इसका बोनेट भी एक बार चेक कर लो। सिंगल पीस बोनेट इसके अंदर दिया गया है, सिंगल गैस स्टड का यूज़ किया गया है, जिसकी सहायता से ऑटोमेटिकली जो बोनेट है वो ओपन हो जाता है, आपको कोई मैकेनिकली उसके ऊपर फोर्स नहीं डालना पड़ता है। और यहाँ पर आप देखोगे तो हीट डिफ्लेक्टर भी इसके ऊपर लगाए गए हैं, जिससे कि जो इंजन की गर्माहट है उससे आपकी जो बोनेट है उसका पेंट वगैरह जो है ख़राब ना हो, डैमेज ना हो, तो उसका भी यहाँ पर कंपनी ने खास ख्याल रखा है। और सिंगल पीस बोनेट है, जो कि काफ़ी कमाल दिखने में लगता है। अब मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर के आपको चलता हूँ, तो यहाँ पर इसके प्लेटफॉर्म को एक्सेस करना भी बड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि डुअल फुट स्टेप का यूज़ किया गया है, तो कंफर्टेबली आप इसको बैठ करके ऊपर ड्राइव
कर सकते हो। प्लेटफॉर्म की बात मैं कर रहा हूँ तो जैसे मैं आपको बताऊँ तो स्पेसियस है प्लेटफॉर्म, कोई गियर लीवर बीच में नहीं दिया है, प्लस जो पैडल्स हैं वो सस्पेंडेड टाइप के दिए गए हैं जिससे कि लंबे टाइम तक आपको कोई घुटने वगैरह में दर्द वगैरह की दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पर अगर आप इसका स्टेयरिंग देखते हो तो बिल्कुल कॉम्पैक्ट साइज का स्टेयरिंग दिया गया है, स्वराज की ब्रांडिंग आपको स्टेयरिंग के बीच में मिल जाती है, हॉर्न का भी यहीं पर जो प्लेसमेंट है वो किया गया है। डैशबोर्ड आप इसका देखोगे तो एनालॉग प्लस डिजिटल आवर मीटर का जो कॉम्बिनेशन है वो इसके अंदर दिया गया है। काफ़ी सारी ब्लिंकेशन के लिए लाइट्स आपको इस तरफ भी मिल जाती हैं, इस तरफ भी मिल जाती हैं। फ्यूल वगैरह के लिए, टेम्परेचर वगैरह के लिए जो इंडिकेटर्स हैं वो इसके अंदर एनालॉग ही आपको देखने को मिल जाते हैं। राइट हैंड साइड में इसकी हैंड वाली रेस मिलेगी और सबसे कमाल की चीज़, सबसे यूनिक जो बताती है कि ये ट्रैक्टर आपका BS4 है, वो है इसके अंदर ये मोड्स। एक इसके अंदर इको मोड दिया गया है, पावर मोड दिया गया है, प्लस होलेज मोड दिया गया है। तो जैसे आप मोड में ट्रैक्टर को स्विच करोगे वैसे ही इसकी पावर में भी आपको डिफरेंस महसूस होने वाला है, क्योंकि ट्रैक्टर BS4 है तो पावर में आपको इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट भी बिल्कुल देखने को मिलेगा, जिससे कि डीजल खपत के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। मान लो आप इको मोड में ट्रैक्टर को ड्राइव कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि आपका जो ट्रैक्टर है वो उसी हिसाब से डीजल कंजप्शन करेगा, यानी कि नॉर्मल मोड की तुलना में डीजल कंजप्शन आपको कम देखने को मिलेगा इको मोड में अगर आप ट्रैक्टर को ड्राइव कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेनिफिट आपको ये मिलेगा, जैसे ट्रैक्टर 60 HP का है, आपको उतनी HP की नीड नहीं है, आपको हल्का काम करना है ट्रैक्टर के साथ में, तो आप इको मोड में चला सकते हो, तो आपका जो ट्रैक्टर है वो डीजल खपत कम से कम या मिनिमम सी डीजल खपत करेगा। तो ये डिफरेंस आपको जरूर इसके अंदर देखने को मिल जाएगा जैसे BS4 ये ट्रैक्टर है। गियर ट्रांसमिशन की बात करूंगा तो इसके अंदर आपको कॉन्स्टेंट मैस गेयरबॉक्स जो है देखने को मिल जाता है। गियर स्पीड की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर हाई लो मीडियम का गियर लीवर आपको मिलेगा। राइट हैंड साइड में आपको इसके 4 गियर मिलेंगे प्लस एक रिवर्स देखने को मिलेगा, तो 12+3 का जो कॉम्बिनेशन है वो इसके अंदर देखने को मिल जाता है। 12 फॉरवर्ड जाने के लिए स्पीड्स मिल जाती हैं और 3 आपको रिवर्स जाने के लिए स्पीड्स मिल जाती हैं। ओइलमस डिस्क ब्रेक मिलेंगे। क्लच जो है इसके अंदर आपको प्रॉपर इंडिपेंडेंट डबल क्लच के साथ में ट्रैक्टर देखने को मिलेगा। ये इसका मेन क्लच है और ये इसका PTO के लिए क्लच यहाँ पर दिया गया है, जिसको कि काफ़ी ईजिली आप इंगेज और डिसंगेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो पार्किंग के लिए जो ब्रेक हैं वो बिल्कुल लाइक कार्स ही दिए गए हैं, जैसे आपको कार्स में देखने को मिलते हैं उसी तरीके से इसके अंदर पार्किंग ब्रेक जो हैं वो इंडिपेंडेंट लीवर के साथ में दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो ये इसका 2-व्हील और 4-व्हील में ट्रैक्टर को कन्वर्ट करने के लिए जो लीवर है, इंगेज डिसंगेज करने के लिए जो लीवर है वो यहाँ पर दिया गया है, जिससे कि काफ़ी ईजिली आप ट्रैक्टर को 2-व्हील और 4-व्हील ड्राइव में ले जा सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। ड्राइवर सीट के राइट हैंड साइड में इसके हाइड्रोलिक के कंट्रोल आपको देखने को मिलेंगे। DC लीवर दिया गया है, PC लीवर दिया गया है, जिससे कि ड्राफ्ट और पोजीशन को काफ़ी इजीली आप कंट्रोल कर सकते हो। साथ में ही इसके अंदर ये एक बटन आपको मिल जाता है। इसका बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इससे होगा क्या, आपने एक बार लिफ्ट सेट कर ली तो इस सिंगल बटन से ही आप बार बार अपनी लिफ्ट को मोड़ पर उठा सकते हो, गिरा सकते हो, बार बार आपको लीवर छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, जिससे कि आपकी हाइट बार बार में एडजस्ट नहीं हो पाती है तो वहाँ पर टाइम भी ज़्यादा लगता है, प्लस सिरदर्दी वाली भी दिक्कत रहती है, तो उसको भी यहाँ पर कंपनी ने ध्यान में रख करके कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है। यहाँ पर एक लीवर आपको मिलने वाला है जिससे कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को इजीली कंट्रोल कर पाएंगे। यहाँ पर एक ये केस दिया गया है जिसके अंदर आप डायरेक्टली चार्जर लगा करके अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो और ईजिली इसके अंदर रख भी सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके का जो इसका पूरा ऊपर का लुक है, डैशबोर्ड का हो गया, गेयरबॉक्स का हो गया, इस तरीके का व्यू आपको देखने को इसके अंदर मिल जाएगा। यहाँ पर इसके लाइट वगैरह के, इंडिकेटर वगैरह के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। राइट हैंड साइड में इसकी हैंड वाली रेस आपको मिल जाती है और की लगाने के लिए जो सॉकेट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अब मैं आपको ट्रैक्टर को स्टार्ट करके इसकी जो आवाज़ है वो सुनवाने की कोशिश करूँगा, फिर आप एक निष्कर्ष पर ये पहुँचना कि जो पहले वाला 963 सिंपल वाला आता था BS3 और ये BS4 है, तो आवाज़ में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप अगर इसकी आवाज़ सुनोगे तो आवाज़ में एक स्मूथनेस आपको बिल्कुल फील होगी, जो पहले वाला इंजन आता था उसकी और इसकी अगर हम कंपैरिजन करने की कोशिश करें तो आवाज़ में एक शार्पीनेस दी गई है, प्लस आवाज़ में हल्का सा डिक्रीजमेंट भी हुआ है। एक अलग सी चटकीली सी आवाज़ इसकी देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसा BS4 इंजन है तो इसकी जो आवाज़ है आवाज़ में भी आपको बिल्कुल ही डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको इसकी आवाज़ में क्या डिफरेंस लगा, पहले वाले की ज़्यादा अच्छी लगती थी या इस वाले की ज़्यादा अच्छी है। अब मैं अगर ट्रैक्टर को बंद करना चाहता हूँ तो यहीं से बंद कर सकता हूँ, मुझे कोई इसका लीवर नहीं खींचने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये BS4 इंजन के साथ में है, तो आप की से ही स्टार्ट कर सकते हो और की से ही इसको बंद भी कर सकते हो। अब मैं आपको ट्रैक्टर के पिछले हिस्से की तरफ लेकर के चलूँगा। सबसे पहले आप देखोगे जो इसका रियर एक्सल है वो फुल्ली हैवी ड्यूटी पेनेट्री रिडक्शन से लैस है, जिससे कि क्या होगा, जो पिछला है वो लंबे टाइम तक मेंटेनेंस वाली दिक्कत उसके अंदर नहीं आएगी, प्लस जो खिंचाई है वो भी जबरदस्त आपको देखने को मिल जाएगी। PTO की बात कर लेता हूं तो डुअल PTO के साथ में आता है 540+540 इकोनॉमी। PTO HP की बात कर लेता हूं तो 51.5
6 HP की जो PTO पावर है वही ट्रैक्टर आपको जनरेट करके देने वाला है। साथ ही साथ अगर आप इसका हिच है तो इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो, फुली हैवी ड्यूटी साइज का जो हिच है वो इसके अंदर दिया गया है। साथ में ही अगर आप देखोगे तो 3-point सेंसिंग के लिए दिए गए हैं, जिससे कि आप अपने ड्राफ्ट के हिसाब से जो अपनी टोबलिंग है उसका चयन कर सकते हैं। जैसी मिट्टी है, जैसी हार्डनेस है, उसी हिसाब से आप अपनी टोबलिंग को ऊपर या नीचे होल में डाल सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो डुअल डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी फिटेड मिल जाते हैं। DCB वाल्व या कपलर या डिस्ट्रीब्यूटर, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है लेकिन काम एक ही होता है। तो डुअल डिस्ट्रीब्यूटर दिए गए हैं, लीवर मैंने आपको आगे दिखाई दिया था, काफी इजीली आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। टोपलिंग कैरी होल्डर मिल जाता है, साथ में ही आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है, बोतल होल्डर मिल जाता है और पीछे टूल बॉक्स भी दिया गया है, जिसके अंदर कोई छोटा मोटा टूल वगैरह अगर आपने कैरी करना है तो इसके साथ में बड़े इजीली आप उसको कर सकते हो। पीछे की तरफ काफ़ी बड़े साइज़ की जो बैकलाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। साथ में ही जो इंडिकेटर हैं वो नॉर्मल टाइप के ही हैं लेकिन लुक के अंदर थोड़ा सा आपको चेंज जरूर देखने को मिल जाएगा। अगर हम सिंपल वाले इंडिकेटर से इनकी बात करें तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव ये जरूर लगते हैं दोस्तों। पिछले टायर्स की बात कर लेता हूं तो यहां पर जो बैक टायर्स हैं वो 16-9-28 के ही दिए गए हैं और MRF के ही आपको इसके अंदर जो चारों टायर्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। अब बात निकल कर के जाती है कि ट्रैक्टर की प्राइसिंग क्या देखने को मिलेगी। जैसे इतने सारे फीचर्स में आपको डिफरेंस मिला है, BS4 इंजन इसके अंदर कंपनी ने दिया है तो प्राइस में भी डिफरेंस मिलेगा। आपको मैं बता देता हूँ महाराष्ट्र की ऑन रोड प्राइस है दोस्तों ये 11,20,000 इसकी मेले की ऑन रोड प्राइस दोस्तों रखी गई है। बाकी प्राइस में आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है, प्राइस वेरी करती है टाइम टू टाइम डिस्ट्रिक्ट वाइज और स्टेट वाइज। तो अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी शोरूम पर विजिट कर सकते हैं और इसकी जो एग्जैक्ट प्राइस है उसके बारे में पता कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको इसके ओवरऑल फीचर्स के बारे में जानकारी देने की कोशिश की, साथ ही साथ बताया कि कौन कौन से चेंजेस हैं पहले वाले से और इस वाले में क्या कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप अपने डिसीजन लेने में आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगी कि आप जो है इस ट्रैक्टर की तरफ आज के टाइम में जाएँ या नहीं। तो आज की इस वीडियो में ओवरऑल जानकारी मैंने आपको दे दी है, अब आप लोगों का डिसीजन आपके ऊपर रहेगा कि आपको इसकी तरफ जाना है या आप किसी अदर कंपनी की तरफ जाएं। क्योंकि मेरा मकसद हमेशा से रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर के बारे में जानकारी दे दूं, जिससे कि आपको डिसीजन लेने में अपना हेल्प मिले। दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, उम्मीद करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।